वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए इस वीडियो में लाइनक्स इंस्टॉलेशन का मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से लाइनक्स इंस्टॉल होता है। लाइनक्स बेसिकली हम रेड हैट डाल रहे हैं। रेड हैट बेसिकली लाइनक्स नहीं है, रेड हैट डिस्ट्रीब्यूटर है, कैल्ड्रा डिस्ट्रीब्यूटर है, आर्यभट्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, सूजे डिस्ट्रीब्यूटर से। तो लाइनक्स तो लाइनक्स होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो RHEL है, रेड हैट है, कैल्ड्रा है, आर्यभट्ट है, सूजे। तो लाइनक्स को हम इंस्टॉल करने के लिए देखिए किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने जब इसको मशीन को स्टार्ट किया तो बायोस में लेके गए डेल दबा के, और एडवांस ऑप्शन पे जाकर बूट डिवाइस प्रायोरिटी पे हमने CD DVD किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने DVD का यूज़ करना है और फिर F10 करके यस करके हम सेव करके कॉन्फ़िगरेशन को वापस बाहर आ रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जब ये बूट होगा तो इस तरह से आपको लाइनक्स के लिए पूछेगा और सीधा लाइनक्स पे जाएगा। लाइनक्स बेसिकली नेटवर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और इसमें जो देखिए इंस्टॉल और अपग्रेड आ रहा है, रेस्क्यू इंस्टॉल सिस्टम आ रहा है, बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव आ रहा है, मेमोरी टेस्ट आ रहे हैं। तो इंस्टॉल और अपग्रेड इन एग्जिस्टिंग सिस्टम कर सकते हैं, आप ग्राफिकल मोड से लोड कर सकते हैं इसे और टेक्स्ट मोड से लोड कर सकते हैं। अभी मैं ग्राफिकल मोड से लोड करना बता रहा हूँ, ग्राफिकल से थोड़ा सा टाइम लेता है और जो टेक्स्ट मोड होता है वो कम समय लेता है। तो हम इंस्टॉल और अपग्रेड इन एग्जिस्टिंग सिस्टम एंटर कर रहे हैं। एंटर करते ही VM लाइन जाएगा, ये इसकी बूटेबल फाइल होती है जो इसको बूट करती है। तो ये इसको बूट कर रही है, लोडिंग initrd.img, ये इससे आगे बढ़ेगा। और जब ये सारा आगे बढ़ता जाएगा, ये देखिए इस तरह से प्रोसेस हो रही है, ये सब कुछ दिखाता है। विंडोज़ में ये सब हाइड रहता है। लाइनक्स बेसिकली ओपन सोर्स है, यूनिक्स से बना था और लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड ने इसे इन्वेंट किया। इसके बाद रेड हैट, कैल्ड्रा, आर्यभट्ट, सूजे, इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। लाइनक्स पर मेरे स्टूडेंट्सों ने किताबें भी लिखी हुई हैं और पूरी सारी चीज़ें आपको मैं टॉप लेवल का लिनक्स भी आपको कराता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ पूछता है, CD का टेस्ट करना है क्या। यहाँ पर आप इसको हमेशा स्किप करिए, अदरवाइज CD टेस्ट करेगा और मीडिया फेल का एरर देके बाहर फेंक देता है। तो आप इसको स्किप करके आगे जाइए। स्किप के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, फिर आगे जाएगा। अभी हम आगे देखते हैं और वेलकम टू रेड हैट एंटरप्राइजेस लिनक्स करके ये मैसेज चलता रहता है। i386 फॉर लिनक्स के सॉफ्टवेयर्स भी फ्री हैं और फाउंड लोकल इंस्टॉलेशन मीडिया और लिनक्स प्लग एंड प्ले है। लिनक्स बहुत स्मार्ट है, लिनक्स को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लिनक्स सालों साल कभी आप इसको रीस्टार्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलता रहेगा, लेकिन जैसे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका एक पीरियड होता है, उसमें आपको रीस्टार्ट करना कंपलसन होता है, 2 साल 3 साल ऐसा। तो यहाँ पर हमने वेलकम टू, ये देखिए रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 चल रहा है और यहाँ पर हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपसे इंग्लिश, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज़ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हम इसको इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आपको इसको नेक्स्ट करना है। अगर एब्रॉड है तो आप अकॉर्डिंग टू अपनी लैंग्वेज, चाइनीज़ है, इसके अलावा डच है, डेनिश है, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। हम इंडिया में या मोस्टली इंग्लिश का यूज़ होता है हर जगह, तो नेक्स्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कीबोर्ड फॉर द सिस्टम, इसको हम ले रहे हैं US इंग्लिश, इसको हम फिर नेक्स्ट कर रहे हैं। हिलाना मत जाता। तो हम नेक्स्ट करने के बाद फिर आगे जाएंगे, फिर बेसिक स्टोरेज डिवाइस, स्पेशलाइज्ड स्टोरेज डिवाइस। तो हम बेसिक, अभी हमारे नॉर्मल हार्ड डिस्क है तो बेसिक कर रहे हैं। एग्जामिनिंग द स्टोरेज, अब यहाँ पर होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप चाहें। मैं इसका यहाँ पर होस्ट नेम सर्वर दे रहा हूँ तो ये सर्वर लेगा। यहाँ पर हम सर्वर देने के बाद फिर नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे दिखाओ, नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पे जाएगा ये, फिर एंटर करिए। फिर यहाँ पर ये सिलेक्ट योर, प्लीज़ सेलेक्ट द नियरेस्ट सिटी इन योर टाइम जोन। तो यहाँ पर हमें एशिया कलकत्ता करना चाहिए तो हम यहाँ पर एशिया कलकत्ता कर सकते हैं। अगर हम ये अभी छोड़ भी दें तो बाद में भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप अपनी कंट्री को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो इसको आप अगर ढूंढना चाहें तो इस तरह से आप जा के ढूंढ सकते हैं, यहाँ भी ढूंढ सकते हैं। तो हम अभी चाहें तो अभी इसको नेक्स्ट कर लें। देखिए यारा कोलंबो एशिया, यारा मालदीव्स इंडियन। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कोलकाता एशिया यहाँ पर मिल गया, मैंने कोलकाता एशिया सिलेक्ट कर लिया है, ये आ गया कोलकाता एशिया, ये कोलकाता दे रहा है। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट हुआ। फिर यहाँ पर पासवर्ड रूट, जो लिनक्स के ऑनर हैं उसका नाम, लिनक्स यूनिक्स इन सब के ऑनर का नाम क्या होता है, रूट होता है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर का नाम एडमिन होता है और जो आपका नोबेल है
माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर का नाम एडमिनिस्ट्रेटर और लिनक्स के ऑनर का नाम एडमिन होता है। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ, आप हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करें ताकि कोई आप मशीन को हैक ना कर पाए। ये पासवर्ड कन्फर्मेशन के बाद नेक्स्ट करिए। ये देखिए, यू हैव प्रोवाइडेड अ वीक पासवर्ड, इट इज़ टू सिंपलिस्टिक एंड सिस्टमेटिक, यूज़ एनी भी करके नेक्स्ट करिए। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यूज़ ऑल स्पेस रिप्लेक्स एग्जिस्टिंग लाइनक्स सिस्टम या श्रिंक करंट सिस्टम, यूज़ फ्री स्पेस। मैं इसको क्रिएट कस्टम लेआउट पे जा रहा हूँ ताकि हम अपने हिसाब से पार्टीशन कर सकें। नेक्स्ट करना है एग्जामिनिंग द हार्ड डिस्क। इसके बाद ये देखिए पूरे पार्टीशन दिखा रहा है। यहाँ पर 100 NTFS है, 5190 यहाँ पर 7 लोड है, तो आप ये फ्री स्पेस को यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको फिर से पूरा हटा के नए सिरे से सिर्फ लिनक्स को भी डाल सकते हैं। तो जैसा आप चाहें, फ्री स्पेस यूज़ करना तो आप इसको क्लिक कर लें और फिर क्रिएट करें, या डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड पार्टीशन, फिर यहाँ से क्रिएट करना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं स्लैश। स्लैश बेसिकली लाइनिंग जिस पर लोड होता है उसको स्लैश कहते हैं। मैं यहाँ पर इसको 8000 ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये ले नहीं रहा है, तो एक बार हम इसको पूरा क्या कर लेते हैं, डिलीट करके देख लेते हैं। हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ये देखिए 476939 ये स्पेस है इसके पास। हम यहाँ पर इसको क्रिएट करने जा रहे हैं। पहला पार्टीशन स्टैंडर्ड इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो हम पहला पार्टीशन वही मैंने बोला स्लैश। आप कोई भी सीक्वेंस में दे सकते हैं, पहले स्लोट स्लैश स्लैश बूट स्वैप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये 8000 दिया मैंने, ओके किया, ये पहला पार्टीशन स्लैश बना। 3 पार्टीशन कंपल्सन होता है इसमें, क्रिएट करिए। अगला होता है स्लैश बूट, स्लैश बूट दे रहा हूँ, ओके करिए। स्लैश बूट 200 लिया हुआ है। इसके बाद मैंने फिर इसको न्यू करना है, क्रिएट करना है, फिर क्रिएट करिए। अब यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं बेसिकली स्वैप, रैम का डबल और इन बिटवीन डबल और ट्रिपल। तो इसमें रैम शायद 2 GB है, तो हम यहाँ पर इसको 4000 दे रहे हैं, तो एज ए रैम हार्ड डिस्क का स्पेस यूज़ होने लगेगा। ये 3 पार्टीशन हो गए। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, देखिए 3 पार्टीशन कंपल्सन होते हैं। फिर इसको आप नेक्स्ट करिए और इसको राइट चेंजेस टू डिस्क करिए, क्रिएटिंग EXT4। इसका जो फाइल सिस्टम है EXT, EXT2, EXT3, EXT4 होता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये स्टार्ट होगा तो Red Hat Enterprises Linux लिखाएगा। आप यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर Red Hat की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ Rex Linux, तो ये Rex Linux लिखा हुआ आएगा, ओके कर दीजिए। ये देखिए अब Rex Linux लिखा हुआ आ रहा है, फिर इसको नेक्स्ट कर लीजिए, ये नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिट्रीविंग इंस्टॉलेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम Red Hat Linux। अब ये डेस्कटॉप वर्जन, मिनिमल डेस्कटॉप, वेब डेवलपमेंट वर्क स्टेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क स्टेशन या मिनिमल, हम यहाँ पर डेस्कटॉप वर्जन को ही लेके चल रहे हैं अभी। बाद में सब बाद में लोड हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसको नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर चेकिंग डिपेंडेंसीज इन पैकेजेस सिलेक्टेड फॉर इंस्टॉलेशन, तो इसको चलने दीजिए। अब ये स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रही है, Red Hat Enterprises Linux 6 ये डल रहा है। कोई भी वर्जन, हर वर्जन में इंस्टॉल करके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लिनक्स की सीरीज़ भी हमें अब चालू करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियर होंगी। सर्वर में लिनक्स नंबर 1 है, सर्वर में लिनक्स की सिक्योरिटी ज़बरदस्त है। सर्वर में अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफ़ी अपग्रेडेशंस किए हैं, पर लिनक्स थोड़ा सा यूज़ करने में यूज़र फ्रेंडली नहीं है। बाकी विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि उसकी हमें बचपन से आदत होती है, तो वो ज़रूर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इसको काम करना नए लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बहुत बड़ा इशू नहीं बनता है। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, इट विल टेक नियर अबाउट 15 to 20 minutes, और इसके बाद लॉगिन स्क्रीन आएगा, रूट और जो आपने पासवर्ड डाला वो डालेंगे, सामने विंडोज़ का Red Hat Linux का जो स्क्रीन है वो सामने आ जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इट इज़ टेकिंग टाइम, सो हैव पेशेंस। क्लियर हो गया तुम लोगों को? ओके सर, कर लोगे अब?
प्रिपेयरिंग ट्रांजेक्शंस इंस्टॉलेशन, ये देखिए आपका इंस्टॉलेशन आईएसओ फाइल सिस्टम टाइम जोन जो आपने सारा सेट किया था, इंस्टॉलिंग पॉपुलर डाटा लिनक्स, बेसिकली वर्ल्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिक्योरिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि इसको एक बार कन्फिगर करके आप छोड़ दें, 5 साल 10 साल 20 साल भी इसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है लिनक्स में। इसके बाद रेडेट आता है, केल्ड्रा आता है, आर्यभट्ट आता है, सूजे आता है, मैंड्रेक आता है, ये दूसरी सीडी मांग रहा है, इसको ओके कर दीजिए और इंस्टॉलेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद ये रूट और लॉगिन स्क्रीन मांगेगा, वहाँ से आप एंटर हो जाएंगे, प्रोसेस चालू हो जाएगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।